now there is advantages of friction. Students, everything has some advantages and some disadvantages. So we will see the advantages of friction. Many of our daily life activities, such as walking, riding, and stopping the fast moving vehicles by applying brakes, are due to friction. ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी वजह से हम कर लेते हैं, friction की वजह से. We cannot write it, there is no friction. अगर friction नहीं है between paper and pencil, आप जब लिखते हो तब भी friction है, ठीक है. Friction की force जो है वो उसे जिस तरह हम चाहते हैं वैसे लिखते हैं, ठीक है. अदरवाइज बैलेंस, तवाजन जो है वो नहीं होगा. फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच कार्बन पार्टिकल्स लीव अ मार्क ऑन द पेपर, ठीक है. देन फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द अर्थ एनेबल्स अस टू वॉक और रन ऑन द ग्राउंड. अब ये जो अर्थ और शूज है उसके दरमियान किस चीज़, यही काबिल करती है ना, एनेबल्स करती है, हमें इस काबिल करती है कि हम उस पर जैसे चाहें दौड़ें, चलें, वॉक करें, ठीक है. सो वो क्या, द व्हेन द ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ आवर शूज स्लाइड ऑन रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस. जब हमारी ये देखें एड़ियों पे, जूतों के नीचे ग्रूव से बने होते हैं, सुराख सुराख से होते हैं, या थोड़ी सी ऐसे लाइनें सी होती हैं, आप गौर कीजिएगा आपके जूतों पे. तो ये जो है ये क्या है, जब ये रफ सरफेस पे वो चीज़ हमारी जूतों की सोल्स जो हैं वो उस पर चलती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है, गिव्स आवर शूज द ग्रिप, वो उसको पकड़ लेती हैं, ग्रिप देती है, वी नीड टू वॉक. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द ग्राउंड एनेबल्स देम टू स्टॉप व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. इसी तरह जब आप व्हीकल कोई भी जी आम तरफ जो है वो सड़क पे चलता है तो उस पर क्या होता है, उसके टायर जो हैं वो और उनके ग्राउंड की जो है वो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उससे आपकी गाड़ी जो है उसको आप स्टॉप कर लेते हो और स्लो कर लेते हो. बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस. ऑलरेडी मैंने आपको बताया द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई. देन देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. डिस्पाइट फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है. इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस. इसके बावजूद के डिस्पाइट इज इसके बावजूद के ये हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इसके टू मीन्स भी डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान हैं. फ्रिक्शन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो है ये क्या करती है कि जो हाई स्पीड से चल रही है उसको अगर आप उसी तरह चलाना चाहते हो तो ये क्या कर देती है, स्पीड को स्लो कर देती है, ठीक है. सो वी नो दैट वॉर्न आउट टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड्स. वाट इज़ द कॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स. आपको पता है कि जितने पहिए वगैरह हैं वो फट जाते हैं, टायर्स जो हैं व्हीकल्स के, यानी कि जो भी व्हीकल आपके पास है ज़रिया आप दरफ्त का, तो उसके टायर फट जाते हैं. वो कहता है इसकी वजह क्या है फटने की, द आंसर इज़ फ्रिक्शन. अब जाहिर है बच्चों फ्रिक्शन इसकी है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो अगर स्मूथ सरफेस है तेज़ी से वो होगी तो आपका जो है टायर पहिया जो है वो सारे टायर फट जाते हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल हो. सिमिलरली वो कहता है इसी तरह इफ़ यू डू नॉट ग्रीज और चेन द बाइसिकल, इसी तरह आप ग्रीजिंग नहीं करते हो अपने साइकिल की चेन को, आप ग्रीज नहीं करते हो, तेल ऑयलिंग नहीं करते हो, द चेन एंड द पुली विल वियर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है. द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड मशीन विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हॉट. इसी तरह जो इंजन्स होते हैं मशीनों के, ठीक है, आप उन्हें बच्चों लगातार चलाते हो, उन्हें लुब्रिकेंट नहीं करते हो, उनको तेल नहीं देते हो, तो क्या होता है, इससे मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके इंजन गर्म हो जाते हैं. दिस इंक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी भी वेस्ट होती है और वो चीज़ जो है वो भी फट जाती है. द सोल ऑफ आवर सोल शूज इज़ वॉर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड. मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अब कौन से तरीके हैं जिससे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स. अब जो नीचे दिए गए हैं दो तरीके, उनसे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. देख लेते हैं कौन से हैं. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स. नंबर वन इज पॉलिशिंग ऑफ सरफेस. आपने पॉलिश करनी है सरफेस को. पॉलिशिंग ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, नंबर वन. नंबर टू इज यूजिंग लुब्रिकेंट्स. आपने लुब्रिकेंट्स जितने भी ऑयली चीज़ें हैं यूज़ करने से, ठीक है, वो आप ऑयल है, ग्रीज है, वेजलिन, दिस एंड दैट,
वो सारे मैटर्स जो हैं. यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट. एंड नंबर थ्री इज यूजिंग रोलर्स और व्हील्स. अब रोलर्स जो है, फ्रिक्शन इज रोलिंग एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर इज मच लेस एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग. स्लाइडिंग की नस्बत अगर आप रोलिंग जो है वो यूज़ करते हो तो उससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है. देयरफॉर रोलर्स और व्हील्स आर यूज टू पुल अ कार. इसीलिए आप रोलिंग में वो करते हो ना बच्चों, हर चीज़ जो है रोलिंग, जो गोल चीज़, ठीक है, उसके जरिए. अब आप देखें, कार्ट को आप पुल करते हो, वो छकड़ा जो है वो भी पहिए से, टीवी ट्रॉली है उस पर भी आप देखते हो नीचे पहिए लगते हो, दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक आवर वर्क ईजियर. इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है. फ्रिक्शन जो है वो क्योंकि स्लो हो जाती है, इसलिए आप इजीली काम जो है वो उसको धकेल सकते हो, ट्रॉली को, कार्ट को,